प्लेटफॉर्म से आपने ये खबर सुन ली होगी कि इंडिया 4.5 करोड़ जो डोजेज है कोरोना वैक्सीन के उनको फ्री पाकिस्तान को देने वाला है। आपको बता दें जो ये इनिशिएटिव चलाया गया है ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाया गया, यानी कि मोदी जी ये वैक्सीन नहीं भेज रहे हैं। WHO की एक ये पहल है जिसके तहत जो भूखे नंगे देश है जैसे कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है उसको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी यूनिसेफ WHO के द्वारा और उसको पे किया जाएगा यूनिसेफ के द्वारा उन देशों को जो ये वैक्सीन बना सकते हैं। तो इसके तहत पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिल रही है लेकिन पाकिस्तान में मेड इन इंडिया की वैक्सीन जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और जो आप कह लें कि बड़ी हाईलाइट हो रही है कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। लोग इसको शायद ये समझ रहे हैं कि शायद इंडियंस इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, पाकिस्तानी अपने एंगल से शायद देख रहे हैं। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में ये वैक्सीनेशन दे चुका है, कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। इंडियंस इसमें बड़ा सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं और इससे भी ज्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है, भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं जो होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री का एक वैक्सीन बना लेना फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ कंपीट करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज है और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव। इसको पॉलिटिक्स में हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। सो दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर Which is coming in Pakistan। जिस तरह इंडिया का जो है वो बॉलीवुड के गाने हों जो कि हम बड़े रूटीन में सुनते हैं, मतलब पाकिस्तान का कोई बूढ़ा हो कोई जवान हो वो सुनते हैं, इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं, राहत फतेह अली खान को और बहुत सारे वहां से लता को सुनते हैं, आजकल की फिल्में देखते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी एनकरेजिंग फॉर द इंडियंस। मेरा ख्याल है कि ये जो चीज है ये हमें समझनी चाहिए कि, और दूसरा इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं। सो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग समथिंग न्यू। जो हमारे जो स्टेट फंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें हम हर साल जो है वो लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं, वो बहुत सारी वैक्सीनेशन तो हमें इंडिया से मिलती है।